नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे बिहार के एग्जिट पोल के बारे में। 17वें लोकसभा चुनाव के तहत 7 चरण का मतदान हो चुका है। रविवार 19 मई को आखिरी चरण के मतदान होने के साथ ही 7वें चरण की समाप्ति हो गई। इसका परिणाम 23 मई गुरुवार के दिन घोषित होगा, जिससे हमें अगले 5 साल के आने वाले सरकार के बारे में पता चलेगा। हमें इससे ये भी पता चलेगा कि किस पार्टी ने अपनी कितनी ताकत लगाया था या किसने कितना परिश्रम इस चुनाव के लिए किया था। गौरतलब है कि सभी चरण के मतदान समाप्त होते ही सभी निजी और गैर निजी चैनलों ने अपने सर्वे के अनुसार एग्जिट पोल दिखाना शुरू कर दिया है। इस एग्जिट पोल से ये पता चल रहा है कि एनडीए ने एक बार फिर से महागठबंधन को जोरदार झटका दिया है। एक निजी चैनल के एग्जिट पोल में बिहार के 40 में से एनडीए को 34 से 36 सीट दिया है, जबकि महागठबंधन को 4 से 6 सीट मिलने का अनुमान बताया है। अब हम बात कर रहे हैं विभिन्न चैनलों द्वारा दिए गए एग्जिट पोल की। बिहार का एग्जिट पोल आज तक एक्सिस के द्वारा दिए हुए एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 38 से 40 सीट बिहार में, जबकि महागठबंधन को 2 सीट, अन्य को 0 मिला है। वहीं एबीपी नीलसन की बात करें तो 34 सीट मिला हुआ है एनडीए को, वहीं महागठबंधन को 6 सीट, अन्य को 0। न्यूज 18 IPSOS के अनुसार 34 से 36 एनडीए को, 4 से 6 महागठबंधन को तथा अन्य को 0 मिला है। वहीं बात करें न्यूज 24 चाणक्य की तो 32 एनडीए की, महागठबंधन को 8 व अन्य को 0। वहीं अगर बात करें टाइम्स नाउ VMR की तो 30 मिला हुआ है एनडीए को, महागठबंधन को 10 व अन्य को 0। आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में मीडिया की सुर्खियों में बिहार भी चर्चा का विषय बना रहा। इस सुर्खियों में सबसे ज्यादा बेगूसराय सीट चर्चा में छाया रहा, जहां से एनडीए के प्रत्याशी गिरिराज सिंह चुनाव मैदान में खड़े थे, जिनका मुकाबला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से उम्मीदवार कन्हैया कुमार से हो रहा था। बिहार में जदयू, भाजपा और लोजपा मिलकर चुनाव लड़ रही है। पिछले साल के लोकसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी के साथ चुनाव मैदान में नहीं थी। इस चुनाव को लेकर यह बताया जा रहा था कि इस बार बिहार में 2014 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले महागठबंधन अधिक मजबूत है, लेकिन महागठबंधन को एग्जिट पोल के आंकड़ों ने उसे जोर का झटका दिया है। इस बार के चुनाव में रालोसपा बीजेपी के साथ में नहीं है, क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर हुई अनबन के बाद एनडीए से रालोसपा अलग हो गई थी। जानकारी के अनुसार बीजेपी को साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 23 सीटें प्राप्त हुई थी। आरजेडी को 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था, जबकि पिछले चुनाव में जेडीयू जो एनडीए से अलग हो गई थी उसे भी सिर्फ 2 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 2 सीट ही हासिल कर पाई थी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की सहयोगी एलजेपी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब इस बार के एग्जिट पोल के अनुसार बिहार के, हमने आपको बताया विभिन्न चैनलों द्वारा निकाले गए एग्जिट पोल के बारे में, इसमें एनडीए की सरकार बनती दिख रही है बिहार से। आगे 23 तारीख को ही ये पता चल पाएगा कि सच में क्या होने वाला है। तब तक आप भी इंतजार कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया।